आज का राशिफल, आज यानी कि 28/3/2019 का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूजर आईडी है वो है RAJAMISHRA866, जो आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिख रहा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल, जिसपे आज मैं आपको बताऊंगा कि आज का दिन आपका किस मामले में अच्छा और किस मामले में बुरा रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि ये एक सामान्य राशिफल है। अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996, जिसमें आपको मिनिमम चार्ज मात्र 300 रुपये है। आज का पंचांग दोस्तों, आज तिथि अष्टमी है, नक्षत्र मूल है, कृष्ण पक्ष है और बरियान योग है जो शाम को 4:41:12 तक रहेगा। गुरुवार है, सूर्योदय 5:43:07 में हो रहा है। चंद्रोदय जो है सो 25:11:59 में हो रहा है। चंद्र राशि में आज धनु है, सूर्यास्त जो है शाम को 6:01:34 में होगा और चंद्रास्त जो है वो 11:13:59 में होगा। ऋतु जो है वो बसंत है, शक संवत 1940, कली संवत 5120, दिन काल 12:18:27 का, विक्रम संवत 2075 है। मास शांत जो है सो फाल्गुन है और मास पूर्णिमा चैत है। आज का जो शुभ समय है जिसमें आप कोई अच्छा काम कर सकते हो वो है 11:27:43 से लेकर के 12:16:57 तक। दोस्तों, शनिदेव और हनुमान जी दोनों कृपा प्रसाद बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो आइए शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ आज का राशिफल। सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि। मेष राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? नई दिशा में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो भरोसेमंद लोगों से बात करें, उपयोगी सलाह मिल सकती है। कार्य क्षेत्र के बड़े काम संयम से निपटाएं। आप जिस ढंग से बातचीत करेंगे उससे दूसरे लोग आपके फेवर में हो सकते हैं। आज आपको किस्मत का साथ थोड़ा कम ही मिल पाएगा। पार्टनर के प्रति व्यवहारिक नजरिया रखें, वाणी पर संयम रखें। विवाद होने की भी प्रबल संभावना है। आज आपके लिए उपाय ये है कि हथेलियों और कलाइयों पर एलोवेरा लगा करके हाथ धो लें तो आज आपके लिए अच्छा रहेगा। मेष के बाद अब बात आती है वृषभ की। आज आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। नौकरी में सारी कामों को, सारी चीज़ों को सामान्य रखने के लिए आपको अपने स्तर पर कुछ न कुछ प्रयास करने चाहिए। अपने काम काज में ईमानदारी रखें, इससे आपको फायदा हो सकता है। मकान मकान या नए वाहन से फायदे होने की संभावना है। कारोबार के लिए नए लोगों से कांटेक्ट होंगे। दांपत्य जीवन में भी खुशहाली आएगी। गोचर कुंडली के 8वें भाव का चंद्रमा आपकी राशि के लिए ठीक नहीं है, मानसिक तनाव दे सकता है। कहा सुनी पर में भरोसा ना करें। आज आपकी राशि मुलाकात पुराने प्यार से करवा सकती है। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। आज आपके लिए उपाय ये है कि परिवार के किसी भी सदस्य या अपोजिट जेंडर वाले को परफ्यूम दे दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ के बाद अब बात आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? आज पैसा कमाने के लिए नए मौके सामने आ सकते हैं। पैसों से आपकी कोई बड़ी समस्या सामने आ सकती है। पैसों से कुछ जरूरी काम भी हो सकते हैं। कुछ जरूरी लोगों से मुलाकात होने के योग हैं। बिजनेस में बड़ा फायदा होने के योग बन रहे हैं। आपकी संवेदनशीलता चरम पर हो सकती है। फालतू कागजात से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करें। आप अपने विचारों में थोड़ा बदलाव भी ला सकते हैं। खान पान और पहनावे में भी कुछ बदलाव का मूड आज आप बना सकते हैं। साथियों से मदद मिल सकती है।
जीवन साथी की सेहत की चिंता करें। आपका कामकाज ज़्यादा हो सकता है, परिवार में विवाद की स्थिति भी बन सकती है। आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, पार्टनर का मूड भी अच्छा रहेगा, कामकाज ज़्यादा हो सकता है। आज आपके लिए उपाय यह है कि हनुमान मंदिर में जाकर के लाल ध्वजा यानी कि झंडी का दान करें तो आपका दिन अच्छा रहेगा। मिथुन के बाद बात आती है कर्क राशि की। आज नए लोगों से मुलाकात के योग बन रहे हैं, लंबे योजनाओं की बजाय सिर्फ काम पर ध्यान दें। जीवन साथी और संतान आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण मामलों पर भी विचार किया जा सकता है। आसपास के कुछ लोग आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। पैसों की ज़रूरत महसूस हो सकती है, सामाजिक दायरे में भी बदलाव आ सकता है, आपके इरादे और सपनों में बदलाव आ सकता है। अपनी कोशिश में लगे रहें, किसी बात या चीज़ को लेकर के आपके मन में डर भी बना रह सकता है। लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें कि बिजनेस में विवाद होने की संभावना है। आज आपके लिए उपाय यह है कि पानी में हल्दी मिलाकर के किसी भी पेड़ के नीचे डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर्क के बाद अब बात आती है सिंह राशि की। आपकी राशि के लिए चंद्रमा की स्थिति शुभ रहेगी, अपने लिए आगे का रास्ता आप खुद ही बनाने की कोशिश करें। कोई अधूरा काम निपटाने में सफलता मिल सकती है। दोस्तों से ही आपको किसी नए बिजनेस या निवेश के बारे में जानकारी मिल सकती है। अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। दूसरों की मदद करने से भी आपको संतुष्टि मिल सकती है। रिश्तों के विवाद सुलझने के योग बन रहे हैं। किसी काम को लेकर के योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज आपके पति पत्नी के बीच में कुछ झगड़ा वगैरह हो सकता है, जिम्मेदारी लेने वाला भी दिन है। आज आपके लिए उपाय यह है कि पानी की टंकी में 2 या 3 बूंद मूँगफली का तेल डाल दे तो अच्छा रहेगा। सिंह के बाद अब बात आती है कन्या राशि की। आप में कामकाज करने की ऊर्जा बढ़ सकती है, इसका उपयोग सोच विचार करके ही करें। ऑफिस में आप अपने आने वाले दिनों की तैयारियों में लगे रहेंगे, कोशिश करेंगे तो सब कुछ सुलझ जाएगा। घर परिवार के मामलों में आप वही करेंगे जो आपका मन कहता है। अपनी जिम्मेदारियों पर भी आपको ध्यान देना होगा। आज गोचर कुंडली के चौथे भाव का चंद्रमा आपकी राशि बढ़ा सकता है। जीवन का आनंद लें, पार्टनर को ज़्यादा समय देने की कोशिश ना करें। पार्टनर से सम्मान और प्यार भी मिल सकता है। वर्क प्लेस पर विवाद होने की भी संभावना है। मानसिक अशांति भी हो सकती है। आज आपके लिए उपाय ये है कि पानी में तेल मिला करके नहाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कन्या के बाद अब बात आती है तुला राशि की। बहुत दिनों से रुका हुआ काम शुरू हो सकता है, छिटपुट परेशानियां खत्म होने की संभावना है। कामकाज में मन लगने से कारोबार या नौकरी में तरक्की हो सकती है। आसपास के कुछ लोग आपके भरोसे हो सकते हैं। परिवार के साथ आपकी आत्मीय बढ़ सकती है। किसी खास काम को निपटाने में समय की कमी भी महसूस होगी। आराम करने के मौके आज आपको मिल सकते हैं। अधिकारियों से भी आज आपको मिल सकती है मदद, विदेश या किसी दूर स्थान से। आपके लिए कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। उपाय ये है कि पीला फूल सूंघ करके अपनी दाई ओर फेंक देंगे तो आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। तुला के बाद बात आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक, आज आप कोई अच्छी योजना बनाने में सफल हो सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात के योग बन रहे हैं। दोस्तों को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ खास रिश्तों में मजबूती आ सकती है। परिवार में किसी के जन्म या विवाह तय होने की सूचना मिल सकती है। परेशानियों के कारण रोजमर्रा के कामों में कुछ बदलाव हो सकता है। पार्टनर आपकी मजबूरी समझने की कोशिश करेगा। आज आपके लिए उपाय ये है कि पानी की बोतल में कुमकुम मिला करके जमीन में गाड़ दें। वृश्चिक के बाद बात आती है धनु की। धनुराशि, कोई भी बड़ा काम करने से पहले एक बार अच्छे से सोच ले। बिजनेस में आने वाली परेशानियों से निपटने की कोशिश करेंगे। आज आप रोमांटिक विचारों में खोए रह सकते हैं। परिवार के लोगों की मदद मिल सकती है। नज़दीकी रिश्ते आपके लिए बहुत खास हो सकते हैं। करीबी लोगों के मन में क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा भी आपको हो जाएगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। पैसों के मैनेजमेंट, इनकम और खर्च को लेकर के आप थोड़े से टेंशन में हो सकते हैं। आज आपके लिए उपाय यह है कि पानी में सुगंधित चीज़ मिला करके घर या ऑफिस में छिटके। धनु के बाद अब बात आती है मकर।
आज आपको किसी बड़े या महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात या मौका मिल सकता है। सोच समझकर काम करना होगा। किसी दोस्त से आपकी मुलाकात भी कारगर साबित हो सकती है। नौकरी या कारोबार में कोई आपको ऐसी सलाह दे सकता है जिससे आपका समय बदल जाएगा। ज़्यादातर मामले आज आसानी से निपट सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। पिता के सहयोग से बड़े काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। आज चंद्रमा के कारण वाहक दौर बढ़ सकता है। कोई भी काम अधूरा न छोड़ें। कोई बात विवाद हो उससे बेहतर रहेगा कि आप खुद पर कंट्रोल रखें। कोई काम आपके हाथ में होगा और उसको निपटाने में पूरा दिन लग सकता है, जिससे मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। आज आपके लिए उपाय यह है कि सौंफ का पानी पियेंगे तो दिन अच्छा रहेगा और लव लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। मकर के बाद अब बात आती है कुंभ राशि की। कारोबार में फायदा होने के योग बन रहे हैं। उत्साह भी पूरा रहेगा आपके मन में। सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। कुछ लोग भी आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। आज आप निवेश के कुछ मामलों को गहराई से समझने की कोशिश कर सकते हैं। वर्तमान नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। कोई कोई नई नौकरी भी मिल सकती है आपको। अपनी बुद्धि से बिजनेस, नौकरी या प्रोफेशन में फायदा हो सकता है। ईमानदारी में रखें। किसी से सलाह लेंगे तभी समस्या सुलझ सकती है। घरेलू परेशानियां निपटने के लिए दिन अच्छा कहा जा सकता है। आज आप कुछ मामलों में सफल भी हो सकते हैं। फालतू जोखिम लेने पर आपकी उलझने बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाएं। बिजनेस में नई योजनाएं आपकी फिर से काम कर सकती है। आज आपके लिए उपाय यह है कि दूध में पानी मिला करके पियेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ के बाद अब बात आती है मीन राशि की। मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा ये आपको बताता हूँ। किसी पुराने काम का नतीजा आज आपके फेवर में हो सकता है। नया काम शुरू करने का मन बना रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में आप समझौते का मन बनाकर चलें। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। किसी भी काम को करने के पहले दोस्तों और अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग बन रहे हैं। बिजनेस में कुछ नया करने का मन बन सकता है। बिजनेस बढ़ाने की प्लानिंग हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को पुरानी परेशानियों से राहत मिलने के योग बन रहे हैं। आज आपके लिए उपाय यह कि तांबे के बर्तन में रखा पानी पियेंगे तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो दोस्तों यही थी आज की राशिफल, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुई होगी। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।